बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंटर एंड इट्स टाइप्स। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। इसे आउटपुट डिवाइस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जरिए हम आउटपुट को कागज पर प्रिंट करके हासिल करते हैं, और वो आउटपुट तस्वीरों की शक्ल में भी हो सकती है, टेक्स्ट की शक्ल में भी, ग्राफिक्स वगैरह की शक्ल में हो सकती है। ये प्रिंटर क्या करता है? प्रिंट करता है करेक्टर्स को, करेक्टर्स को और किसको? ग्राफिक्स को। कहां पर? पेपर पर। अब करेक्टर्स क्या होते हैं? करेक्टर्स एबीसी अल्फाबेट्स को भी कहते हैं, करेक्टर्स 1 2 3 यानी डिजिट्स को भी कहते हैं, और इसी तरह करेक्टर्स जो है वो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन के सिंबल, एट द रेट ऑफ, डॉलर साइन, हैश साइन, इन अलामतों को भी करेक्टर्स कहते हैं। तो ये करेक्टर्स को भी प्रिंट करता है एंड ग्राफिक्स, और ग्राफिक्स में तस्वीरें आ जाती हैं, इस ग्राफिक्स में चार्ट्स और ग्राफ वगैरह, डायग्राम्स वगैरह सब चीजें आ जाती हैं। तो ये प्रिंट करता है करेक्टर्स को और ग्राफिक्स को, कहां पर? पेपर पर, कागज पर। ऐसी आउटपुट जो कागज पर प्रिंटेड हो वो हार्ड कॉपी कहलाती है। द प्रिंटेड आउटपुट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। यानी ऐसी आउटपुट, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो कागज पर, चाहे वो इंफॉर्मेशन कोई तस्वीर हो, कोई लेटर हो, कोई स्टोरी हो, या कोई भी चीज ऐसी, कोई तहरीर जो कागज पर प्रिंट हो प्रिंटर के जरिए, उस प्रिंट शुदा चीज को हार्ड कॉपी कहते हैं। प्रिंट रेजोल्यूशन इज मेजर्ड इन डॉट्स पर इंच। जो प्रिंटर की जो रेजोल्यूशन है, यानी इसकी जो क्वालिटी है, वो कैसे मेजर की जाती है? डॉट्स पर इंच। डॉट पर इंच का मतलब क्या होता है? कि एक इंच के अंदर, एक स्क्वायर इंच के अंदर डॉट्स की तादाद। और ये डॉट्स किसके होते हैं? ये इंक के डॉट्स होते हैं। तो जितनी ज्यादा डॉट्स की तादाद होगी, उसका जो प्रिंट का रिजल्ट है, उसकी जो रेजोल्यूशन है, वो उतनी ज्यादा बेहतर होगी, उसकी क्वालिटी उतनी ज्यादा बेहतर होगी। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मॉनिटर पढ़ा था, मॉनिटर की जो रेजोल्यूशन होती है, मॉनिटर की, वो किससे नापी जाती है? पिक्सल्स से नापी जाती है। और प्रिंटर की जो रेजोल्यूशन है वो डीपीआई से, डॉट्स पर इंच से नापी जाती है। प्रिंटर विद हाई डीपीआई प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट। अब आ जाता है टाइप्स ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर की एक्साम। प्रिंटर की जनरली 2 टाइप्स हैं। एक को हम बोलते हैं इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरे को बोलते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब इंपैक्ट प्रिंटर आगे 3 तरह के हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। इसी तरह जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर हैं, ये इसके आगे 3 टाइप्स हैं, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। अब हम इसको आगे डिटेल में पढ़ते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर्स, एन इंपैक्ट प्रिंटर प्रिंट 1 करेक्टर एट ए टाइम। एक इंपैक्ट प्रिंटर एक वक्त में एक करेक्टर को प्रिंट करता है, यानी ये टाइपराइटर की तरह काम करता होगा, करता है। अगर आपने कभी टाइपराइटर को देखा हो तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर तमाम तहरीर या अल्फाबेट्स वगैरह टाइप करते हैं, लेकिन एक वक्त में एक। अगर आप ए वाली की प्रेस करेंगे टाइपराइटर से, तो ए जो है वो कागज पर जाकर स्ट्राइक करता है और प्रिंट होता है कागज पर। बी वाला की, बी वाली जो की है या पिन है, उसको जब आप प्रेस करते हैं तो वो बी वाला जो हैमर है या पिन है, वो कागज पर जाकर टकराता है और कागज पर बी छप जाता है। तो इस तरह एक वक्त में एक करेक्टर को, एक करेक्टर को प्रिंट करता है इंपैक्ट प्रिंटर। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये वर्क्स लाइक ए टाइपराइटर, इंपैक्ट प्रिंटर टाइपराइटर की तरह काम करता है। इट प्रिंट्स करेक्टर एंड इमेजेस। ये करेक्टर्स को और इमेजेस को प्रिंट करता है बाय स्ट्राइकिंग ए पिन और हैमर अगेंस्ट द इंक रिबन। होता क्या है कि इसमें एक या इमेजेस को और करेक्टर्स को प्रिंट करता है। किसको, कैसे प्रिंट करता है? इस इंपैक्ट प्रिंटर्स के अंदर डिफरेंट पिन्स होती हैं, 9 to 24 पिन्स, डिपेंड करता है मॉडल पर। तो डिफरेंट पिन्स होती हैं जिन पर ए बी सी वगैरह, एक पिन पर ए लिखा होता है, दूसरी पिन पर बी लिखा होता है, तीसरे पिन पर सी, इसी तरह 1 2 3, इसी तरह करेक्टर्स। तो ये क्या करती हैं, वो पिन्स जाकर टकराती हैं एक रिबन पर, कपड़े का एक रिबन होता है, और उस रिबन के अंदर क्या होती है, इंक जो है वो जज्ब हो चुकी होती है, और वो जो ये टकरा, पिन टकराती है रिबन पर, और रिबन जाकर पीछे टकराता है कागज पर। इस तरह वो मतलूबा जो करेक्टर है वो कागज पर क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। टाइप्स ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर 3 तरह के हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और लाइन प्रिंटर।
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इट इज एन इंपैक्ट प्रिंटर, ये तस्वीर में भी दिखाया गया है। इट प्रिंट्स कैरेक्टर एंड इमेजेस बाय स्ट्राइकिंग द टिनी पिंस ऑन ए इंक रिबन, ये छोटी छोटी पिंस को एक इंक से भरे हुए रिबन पर टकराती हैं और रिबन जाकर पीछे पेपर पर टकराता है, इस तरह करेक्टर और इमेजेस जो है वो प्रिंट होते हैं। प्रिंट हेड ऑफ दिस प्रिंटर कंटेन्स 9 to 24 पिन, प्रिंट हेड क्या होता है, इस प्रिंटर के अंदर एक पार्ट होता है, एक पुर्जा होता है प्रिंट हेड, जिसके अंदर 9 से लेकर 24 तक पिन्स होती हैं, जिन पर डिफरेंट करेक्टर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। नंबर ऑफ पिन्स, ये प्रिंट्स नहीं है, नंबर ऑफ पिन जो है वो डिपेंड करती है प्रिंटर के मॉडल पर और प्रिंटर बनाने वाली कंपनी पर, मैन्युफैक्चरर पर। यहां पर ये पिन्स है, हायर नंबर ऑफ पिन्स प्रोड्यूसेस बेटर प्रिंट क्वालिटी, जितनी ज्यादा पिन्स की तादाद ज्यादा होगी उतनी प्रिंट की क्वालिटी ज्यादा बेहतर होगी। स्पीड ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज मेजर्ड इन करेक्टर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितने करेक्टर्स को प्रिंट कर सकता है। प्रिंटिंग स्पीड रेंजेस फ्रॉम 350 to 1100 CPS करेक्टर्स पर सेकेंड, CPS कह रहे हैं करेक्टर पर। तो कुछ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ऐसे हैं जिनकी स्पीड की जो रेंज है 350 करेक्टर्स से लेकर 1100 करेक्टर्स पर सेकेंड तक हो सकती है। प्रिंटिंग क्वालिटी जो होती है इन प्रिंटर की इतनी हाई नहीं होती, इतनी अच्छी नहीं होती, इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी लो होती है। अच्छा, जब ये प्रिंटर्स जब प्रिंट कर रहे होते हैं किसी भी चीज को, किसी भी आउटपुट की किसी तहरीर को, तो इसकी मशीनरी में से, इस प्रिंटर के इक्विपमेंट में से हल्का हल्का सा एक नॉइज आता है, इसलिए हम कहते हैं इट प्रोड्यूस नॉइज ड्यूरिंग द प्रिंटिंग, ये प्रिंट करने के दौरान थोड़ा सा शोर करते हैं। ये चीप इन प्राइस, इनकी प्राइस में ये सस्ते होते हैं, कीमत में सस्ते होते हैं, इनकी प्रिंट कॉस्ट इज लो, प्रिंटिंग कॉस्ट लो से मुराद क्या है, ये इनकी अपनी कीमत भी कम होती है और इसके अंदर जो मटेरियल यूज होता है, जो कागज यूज हो रहा है जिस पर प्रिंट किया जा रहा है, तो उसकी कॉस्ट भी जो है वो कम होती है, इसलिए हम टोटल जो प्रिंटिंग कॉस्ट आती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंट को यूज करने से वो बहुत लो होती है। डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील ये तस्वीर में जैसे दिखाया गया, इस तरह का एक गोल व्हील होता है और जिसमें क्या होती है, एक छोटी छोटी ये पिन्स होती हैं और इन पिन्स को हम पेटल्स कह रहे हैं, और इसमें पेटल्स पर क्या और लिखे हुए होते हैं, इन पिन्स पर क्या होते हैं, करेक्टर्स होते हैं। ये डेजी व्हील कहां पर होता है, प्रिंटर के अंदर होता है, डेजी व्हील प्रिंटर के अंदर, और ये जो है इस व्हील को ऐसे मोटर घुमाती रहती है और ये व्हील जाकर इस व्हील के ऊपर जो ये पिन्स हैं, इस व्हील के ऊपर जो ये पिन्स हैं, ये पिन जो है ये टकराती है इंक से भरे हुए रिबन पर और वो रिबन पीछे जाकर टकराता है कागज पर, इस तरह मतलूबा करेक्टर जो है, मतलूबा अल्फाबेट, इस तरह मतलूबा तहरीर, इस तरह वन बाय वन प्रिंट हो जाती है कागज पर। ये सिमिलर टू टाइपराइटर है, टाइपराइटर की तरह काम करता है ये भी। इट यूजेस अ प्रिंट व्हील, ये प्रिंट व्हील को यूज करता है, जिसे डेजी व्हील भी कहते हैं। ईच पेटल, पेटल का मतलब क्या है, एक पिन है यहां पर। ऑफ डेजी व्हील कंटेन ए करेक्टर, वो एक करेक्टर पर मुश्तमिल होता है, करेक्टर एबीसी को कह रहे हैं, यानी एक पिन पर एक करेक्टर, दूसरे पिन पर दूसरा करेक्टर। समझने के लिए आप ऐसे भी समझ, तस्वीर से भी आप देख सकते हैं इसको, जैसे एक मोटरसाइकिल का व्हील होता है और उसमें क्या होती है, मुख्तलिफ तारें होती हैं और हर तार पर एक एक तार पर ए लिखा हुआ है, एक तार पर बी लिखा हुआ है, एक तार पर सी, इस तरह इसके अंदर छोटे साइज का व्हील होता है इसी तरह का, जिसे डेजी व्हील कहते हैं, जिन पे और जो है वो हर वायर पर, हर तार पर, हर पेटल पर एक करेक्टर छपा होता है। मोटर रोटेट्स द व्हील, एक मोटर होती है इसके अंदर जो व्हील को आस्ते आस्ते घुमाती है। हैमर प्रेसेस द पेटल, एक हैमर, यानी हैमर भी पिन को कह रहे हैं, पेटल भी पिन को कह रहे हैं हम, वो प्रेस होता है इंक से भरे हुए रिबन पर जब मतलूबा करेक्टर घूमता हुआ अपनी जगह पर आ जाता है जहां पर उसने प्रिंट होना है। स्लोअर देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बट बेटर इन क्वालिटी, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की नस्बत स्लो होते हैं लेकिन बेहतर होते हैं क्वालिटी के हिसाब से। अब आ जाता है लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर फास्ट इंपैक्ट प्रिंटर हैं, यानी ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर से जरा फास्ट होते हैं प्रिंटिंग में। ये पूरी एक लाइन को प्रिंट, एन इंटायर लाइन एट ए टाइम, पूरी एक लाइन को एक वक्त में प्रिंट करते हैं। स्पीड इज मेजर्ड इन लाइन पर सेकेंड, ये पर मिनट, ये एलपीएम, तो इसकी स्पीड को नापा जाता है लाइन पर मिनट से।
इसकी स्पीड की जो रेंज होती है वो कहा 3000 लाइंस पर मिनट, डिफरेंट मॉडल्स की डिफरेंट स्पीड होती है, याद रखिएगा। जो नॉर्मली एवरेज प्रिंटर लाइन प्रिंट होते हैं उनकी जो स्पीड है वो 3000 लाइन को एक मिनट में प्रिंट कर सकते हैं। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर, बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं, सर्वर्स भी बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है जहां पर बहुत सारे कंप्यूटर्स को कंट्रोल करने के लिए एक मेन कंप्यूटर होता है सर्वर, और इस तरह मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर, डिफरेंट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब यहाँ पर सॉफ्टवेयर है, जैसा कि किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या कोई फैक्ट्री है, डिस्ट्रीब्यूशन की फैक्ट्री है या ऑर्गेनाइजेशन है, कोई शिपिंग है कि माल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है या गुड्स जा रही हैं, तो वहां पर इन प्रिंटर का यूज ज्यादा होता है। बैंड प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर जो है वो एग्जांपल्स हैं लाइन प्रिंटर्स की। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।